ध्यान देना। दूसरे दिन के बाद में कॉम्पिटेंट पूरे करेंगे, नेक्स्ट लेवल पे कॉम्पिटेंट क्या पूछे। थर्मिस्टर अगर हम बात करें, 5 मिनट के अंदर पूरे बोर्ड से कौन को निकाल के चेक करेंगे, ठीक है, ये छोटी छोटी चीज है। तीसरे नंबर लाइट पावर निकाल के कम से कम 3 से ज्यादा बार, कौन को 3 या 5 ही बोल लो, 5 लाइट पावर ऐसी। हेलो कोई जियो के मोबाइल में नहीं जी। और डाटा सीट कौन कौन बनाएगा तीसरे दिन में? अच्छा 14 दिन में सीपीयू कौन कौन रहेगा, बताओ। लाइव सीपीयू एमएमसी पूरे बोर्ड का स्वैपिंग एक तरह से। हेलो देखो मैं लाइव करवाऊंगा और ये मेरे दम है कि मैं इसे करवा सकता हूँ, ठीक है। और इसके बाद हम सेक्शन को पढ़ेंगे, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि मैं सेक्शन लूंगा, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। हेलो यहाँ की टाइमिंग, हेलो खाने का समय बहुत कम मिलेगा। खाने का समय मैं आपको बताऊं तो अगर आप 8 बजे से क्लास अटेंड कर रहे हैं जो कि 3 दिन में है, तो आपको 10:30 मिलेगा 15 मिनट का। हेलो बाहर घूमने का समय है 15 मिनट, खाकर दौड़ कर यहाँ क्लास में बैठना है। फिर मेरे साथ में जो क्लास होगा उसमें मैं आपको जो मैं 10 बजे से 1-2 बजे पढ़ाऊंगा तब मैं आपको 10 मिनट का टाइम दूंगा। हेलो सिर्फ 10 मिनट का, कितना 10 मिनट का। मैं खाना खाता हूँ यहीं पर, हेलो मैं भी वही खाना खाता हूँ जो आप खाते हैं। मेरे घर से खाना आता नहीं है, मैं कोई कंफर्ट जोन वाला खाना नहीं खाता कि मेरे घर से पुलाव आ रहे हैं, वो आ रहे हो, आप लोग एक दाल चावल आ रहे हैं, जो आप खाओगे वही मैं खा रहा हूँ। 10 मिनट को खाना खाकर फिर पूरी क्लास करने के बाद फिर 10 मिनट का रेस्ट, सिर्फ चाय ब्रेक होता है। क्या होता है? चाय ब्रेक। वो भी मे बी शायद वो मेरे 10 मिनट का ब्रेक ना हो सकता है, मैं कंटिन्यूस क्लास दूं तो कहने का मतलब सिर्फ 2 ब्रेक दूंगा सुबह से दोपहर तक। कितने ब्रेक? 15 मिनट और 10 मिनट। उसके बाद फिर कोई ब्रेक नहीं होगा, उसके बाद आपकी क्लास केवल रात में खत्म होगी। हेलो हाँ बात होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आधे घंटे का कोई भी एक ब्रेक होगा, बात समझ रहे हैं? इसके लिए तैयार है? एक घंटा तो ब्रेक नहीं चाहिए, 5-11 घंटे में तो 1 घंटा ब्रेक चाहिए, सुबह 1 घंटा शाम को 1 घंटा। 1 घंटा में ब्रेक का मतलब कुछ सेंस निकलता है? हम तो यहाँ हॉस्टल में बैठे आए, वहां घूमने आए, हम यहाँ पर नॉलेज इकट्ठा करने आए। हेलो आप में से हम कौन कौन से तरीके के नोट्स बनाएंगे? पहला ऑडियो नोट्स, वीडियो नोट्स, तो वीडियो नोट्स की इजाजत मैंने आपको दी है। हेलो कौन कौन पूरे वीडियो लेके जाएगा यहाँ से? हेलो सर्टिफिकेट बनाएंगे। हेलो और वो सर्टिफिकेट बनाने का टाइम मैंने कब दिया है? सर बताओ बहुत नींद आएगी, शरीर दुखेगा, पर बनाएंगे अपने लिए, क्योंकि सर ये 3 दिन अगर आपने आपको चेक कर लो तो मेरे ख्याल से पूरी जिंदगी हमारी कैसी जिंदगी बदलती है। हेलो हमें कस्टमर से ज्यादा दुकानदारों वाला काम समझना है। उस फोन के अंदर जिसके अंदर सीपीयू रिबॉल है, एमएमसी चेंज है, पावर रिबॉल है और चेंज है, तब भी चालू नहीं हुआ, उस सेट पर काम करना है। हेलो अगर बोर्ड टेम्पर है तो टेम्पर बताना, और टेम्पर नहीं है तो उसका रिजल्ट निकालना है, बात समझिए। हमें बोल्डियों के हिसाब से काम नहीं करना, हम सब यहाँ पर लाइव में बता रहा हूँ, हम बोल्डियों को गलत करने के लिए आए हैं यहाँ पर, बोल्डियों से पढ़ाने के लिए नहीं है। बोर्डियो हम सिर्फ इसलिए खोले ले कि ये बताने के लिए कि जितना हमने पढ़ाया क्या उतनी चीजें बोर्डियो में है या नहीं है। नहीं है, हम रिवर्स ट्रेसिंग सीखेंगे। क्या सीखेंगे? रिवर्स ट्रेसिंग। हाँ मतलब हम आईसी का डाटा सीट तो सीखेंगे, वो सब सिखाते हैं, मैं आपको ये कॉम्पिटेंट कैसे ढूंढना है रिवर्स ट्रेसिंग सिखाऊंगा। हेलो एक ऐसे बोर्ड में जिसका कोई भी डायग्राम नहीं है कि इसमें मुझे 10 कॉम्पिटेंट है और सिर्फ मुझे 1.8 वोल्टेज वाला कॉम्पिटेंट बताओ, और टुक्के बाजी में नहीं, 7 कॉम्पिटेंट ऐसे हैं जिनमें 7 में 1.8 वोल्टेज आता है, पर मुझे अपना कॉम्पिटेंट ढूंढना है। हेलो मेरा 7 में से कौन सा कॉम्पिटेंट है, तो उसको कहते हैं रिवर्स ट्रेसिंग। हम रिवर्स ट्रेसिंग अगर सीख लिए तो हमारे लिए स्कीमैटिक की हमें कभी भी जरूरत नहीं। हाँ स्कीमैटिक गोनियो ये सब हमारे लिए एक एडवांटेज होगा, जब तक ये है हम इसका फायदा उठाएंगे, और जब ये नहीं है तो हम अपना नॉलेज उठाएंगे, हम मतलब डन करके ही छोड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि ये गोनियो में नहीं है डायग्राम तो सैटी वापस भेज दिया, हम किसी भी गोनियो के हिसाब से हमें पढ़ने वाले नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको कहूंगा कि 4th दिन तो आप लाइव सीपीयू लगा लीजिए, फिर आपने सारे डायग्राम स्टडी सब कुछ करना है, फिर आपको मेरे जो हार्डवेयर सॉल्यूशन के बाद में हार्डवेयर के बाद में आपको जो क्लास मिलेगी वो मिलेगी दुर्गे सर की। हेलो दुर्गे सर, ये जो है दुर्गे सर का बहुत अच्छा, उन्होंने सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत अपना हासिल किया, बहुत अच्छा नॉलेज है उनका, वो सॉफ्टवेयर में आपको इजी ट्रिक बताइए, क्या बताइए, फाइलों को कैसे ढूंढना है, किस तरह से ड्राइवर इंस्टॉल करना है लेटेस्ट से लेटेस्ट विंडो के अंदर। और इवन दुर्गे सर की काफी अच्छी जैसे बोल सकते हैं कि महारत ही है अगर सॉफ्टवेयर की बात करें, और इवन उनको हार्डवेयर बहुत अच्छे से आता है, इसलिए बहुत सारे हार्डवेयर भी वो भी अटेंड करेंगे, वो एक ऑलराउंडर है मैं कह सकता हूँ, यहाँ पर सभी ऑलराउंडर है। फिर दुर्गे सर के बाद में आपकी क्लास लेंगे मिलन सर, मिलन सर की जोड़ा तरह बना, मिलन सर एमएमसी के किंग है। हेलो उनने एमएमसी बिल्कुल मेरे जैसा सीखा है, तो दुनिया के दुनिया भर के इंस्टीट्यूट से, और ये इंस्टीट्यूट से ऐसा होता है ना कि हमें बाहर की नॉलेज मिलती है, टेक्नोलॉजी मिलती है कि जो चीज यहाँ नहीं हो रही है वो बाहर कैसे हो रही है। हेलो वो तो मिलन सर का एमएमसी का नॉलेज एक नंबर है। अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुम किसी भी इंस्टीट्यूट जाओ, किसी भी इंस्टीट्यूट जाओ, और आज की डे में कोई भी, तो तुमको एमएमसी में 3 दिन से ज्यादा की क्लास नहीं मिलेगी, बात समझ रहे हो? 1 दिन के अंदर पूरा एमएमसी का इंटरफेस
लोगों और सारी चीजें बेसिकली टूल सब कुछ बता देते हैं। दूसरे दिन के अंदर, एक दिन के अंदर मीडिया के चेंज, कॉलकम चेंज, सैमसंग चेंज, एक दिन के अंदर तीनों चीज बता देंगे। फिर अगले दिन के अंदर वो आलिया रिपेयर और ये सब करना बताएंगे। मतलब तीन दिन चार दिन के अंदर इमरजेंसी क्लास क्या कर देंगे, खत्म। वो मिलन सर आपको लगातार सात दिन पढ़ाएंगे, कितने दिन पढ़ाएंगे और इतना डीप लेवल पे एक एरर को समझाएंगे। एक दिन तो सिर्फ टूल के इंटरफेस बताते ताकि बच्चों को डीप लेवल पे। अच्छा, हमारा कंसर्न ऐसा है, हमारे पास बहुत सारे यूएफआई है जो हम आपको क्लासेस के टाइम पे दे देंगे। हेलो, कोई भी सेट पर काम होगा तो सिर्फ स्टूडेंट के सेट पर होगा। हेलो, कोई भी ऐसा नहीं कि भाई की आईसी उठाई और दिखा दी, ये देखो ऐसा होता है। जो स्टूडेंट का सेट होगा उसी आईसी पर होगा, समझ रहे हो? कॉलकम का आईसी चेंज होगा, प्रैक्टिकल होगा, मीडिया टेक का चेंज होगा, प्रैक्टिकल होगा, सीपीयू चेंज होगा, प्रैक्टिकल होगा, और वो रिजल्ट निकलने के बाद उसका सिक्योरिटी भी बनेगा। हेलो, कैसे बन रहा है, कहां क्या ग्लिच हो सकता है, सारी चीज सीखेंगे। कौन सा टूल यूज करना है तो वो सॉफ्टवेयर एडवांस सॉफ्टवेयर कहता है। एडवांस सॉफ्टवेयर उसमें हार्डवेयर इसलिए आता है क्योंकि वहां हमें कंपोनेंट का भी ध्यान देना है। हेलो, एमएमसी का सर्किट सीखना है और वहां पर हम सीपीयू का सर्किट भी सीखेंगे। हेलो, उस सर्किट के टाइम पे हम सीखेंगे ब्लैक पेस्टेड। क्या नहीं बताओ, ब्लैक पेस्टेड। और मैंने बोला छह दिन लगा था ब्लैक पेस्टेड की क्लास में। मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी एक को डर होगा कि आप मेरे से ब्लैक पेस्टेड अब निकलेगा कि नहीं निकलेगा। हेलो, इतने घंटे की प्रैक्टिस करवाएंगे इतने सारे बोर्डों के अंदर कि आपको चालू बोर्ड की प्रैक्टिस भी क्लास में मिल जाएगी। बात समझ रहे? फिर इसके बाद में आखिरी दिन में आपके सामने डुअल लेकर परफॉर्म करेंगे। बट डुअल लेकर आपको आपको फर्स्ट बैकअप में आके लाइव करना होगा। हेलो, यहाँ पर हम आपसे अटेंड करवाएंगे, पहले आपके सामने करेंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से हमने किया, क्या हमने रिवर्क, कैसे हमने रैम को रिवर्क, रैम को रिवर्क तुम कल ही कर लोगे, वो तो छोड़ो। किस तरह से हमने अपर लेयर बनाई, हमने रीडिंग लाई, पहली सीपीयू की क्या रीडिंग है, अगर उसके बाद की क्या रीडिंग है, तो सारी चीजें आपने वो पहले प्रैक्टिकल करना है, समझना है। फिर आपने सीपीयू को अटेंड करना है। फिर उसके बाद मैं आपको दूंगा नेट प्रोग्रामिंग। हेलो, आखिरी दिन में मैं आपको आईफोन की नेट प्रोग्रामिंग सिखाऊंगा। ये इसलिए क्योंकि इसको बेबी वर्ड बोलते हैं आईफोन के अंदर। एंड्रॉइड वालों को नेट प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, मैं ये सोचता हूँ, क्योंकि ये नेट प्रोग्रामिंग ऐसा है जैसे आपके पास आईफोन है और आईफोन के अंदर आपके कोई भी एरर है तो नेट निकालकर उसको रीप्रोग्राम करके डालना इतना इजी है कि वो एमएमसी के साथ बच्चा लगेगा। हेलो, तो ये आईफोन का काम एक छोटा सा कोर्स मैं आपको फ्री प्रोग्राम में सिखाऊंगा एंड्रॉइड के अंदर। हेलो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा कि मैं आपको बहुत सारे सीपीयू के प्रोटोकॉल बताऊंगा, कोई चार्जिंग ऐसी बताऊंगा, वो आपको अपने समय पर ही सीखना है। देखो भाई, मैं आप ये बात समझ लो कि ना मेरे को जल्दबाजी करनी है, हाँ, और ना मैं सबको एक साथ सीखने के तैयार हूँ, क्योंकि मुझे हर चीज प्रैक्टिकली सीखना है। और मैं अभी समय देने के लिए ना मेरा कोई काम छूटा है, और छूट रहा है तो अभी बताओ, हम अभी अभी आपका एडमिशन कैंसिल करते हैं। वैसे भी अभी किसी का एडमिशन नहीं हुआ है, एडमिशन अब इसके बाद होगा जब मैं बात करूंगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं, आपका 20 तारीख को आपका लास्ट क्लास होगा विद फेयरवेल के साथ में, और 20 तारीख को आपके सामने टूल वाले भी आएंगे, वो भी अपनी क्लासेस देंगे, माइक्रोस्कोप की, उसमें लेंसेस के कैसे कैसे वर्क होते हैं, और अपने टूल की जो क्लास देंगे उसमें कौन आएंगे, मैं आपको इनवाइट करूंगा। मे बी मेरे खास जेडेक्स मलिक सर आएंगे, 19 तारीख को हमारे साथ में जुड़ेंगे, ठीक है। फिर 20 तारीख के बाद आपका नेक्स्ट सफर चालू होगा, जिसको हम कहते हैं आपका जो आपने यहाँ काम किया वही काम आपको आपकी दुकान पे करना है। Yes, sir. तो मैं हमारे साथ 90 दिन काम करने है। कितने दिन? 90 दिन। किसके हिसाब से? आपके हिसाब से। ध्यान देना है। और उसके बाद में आप हमारे पास 12 बार बैकअप में आ सकते हैं। कितनी बार? 12 बार। हर महीने 1 तारीख आपको तारीख बताऊंगा, 22 तारीख। कौन सी तारीख? 22 तारीख। 22 तारीख को आप हमारे साथ यहाँ पे दो दिन के कोई भी ट्रेन पकड़ो, आप 300 रुपए का। आप देखो, कोई नहीं है कि बहुत क्लासी देने आना है, सर मैं तो उसमें नहीं आता। मैं तो बोलता हूँ यार, जहाँ जो चीज मिलती है वहाँ चले जाओ, 300 रुपए की जनरल में बैठो, यहाँ आओ, 200 रुपए का होटल लो, 50 रुपए का खाना खाओ और 1 लाख का नॉलेज उठा के जाओ। लो, दो फोन लेके आओ, जहाँ पहुंचा वही दो फोन पहले लो, अगले मेरे फिर दो। ये नानी का हक समझो अपने, और ये मत सोचो कि नहीं दुकान में दुकान है, क्योंकि 365 दिन तो कोई दुकान नहीं खोलता, कोई बेवकूफ मत बनाना। 365 में छुट्टियां देने के बाद भी तुम अपनी बीबी के साथ, अपने घर वालों के साथ घूमने जाते हो, तब तो मैं दुकान बंद नहीं होती है, बस सीखने जाओ तो दुकान बंद होती है। तो ये बहाने नहीं मानना जब तुम सीख रहे हो, ये बहाने तब मानना जब तुम सब कुछ आता है, तब सेट बन के बैठना, पर जब लर्निंग क्लियर हो वो कभी खत्म होने नहीं है। और एक हमारा, हम आपको 2025 में पढ़ाएंगे, ये वादा हमारा, हम 2026 में पढ़ाएंगे और तब भी आपसे कोई फीस नहीं लेंगे। हेलो, यस सर, कभी कोई फीस चार्ज नहीं करेंगे। बट आपको पता है कि एशिया टेलीकॉम का डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट है। यस सर, डिसिप्लिन इज, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं इस क्लास की जोरदार तालियों के साथ, और ये वादा करते हैं खुद से और अपने घर वालों से कि मैं जिसके लिए आया हूँ वो करके जाऊंगा। यस सर, मैं जिसके लिए आऊंगा मोबाइल रिपेयरिंग का काम आता है? सिर्फ YouTube देखकर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, क्यों अपनी शॉप का नुकसान करवा रहे हो? आज ही कॉल करो MD सर को और अपनी प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए बात करो। तीसरे दिन में लाइव पावर लवा देंगे और चौथे दिन में लाइव CPU, वो भी गारंटी से।
बहुत ही कम फीस में आप सीख सकते हैं आईफोन का मास्टर सर्किट लेवल का कोर्स, वो भी ऑनलाइन। अब दुकान पर काम के साथ सीखो भी। इस कोर्स में आपको मिलेगा रिगल 4 चैनल DSO और UTD 2 चैनल DSO की कंप्लीट ट्रेनिंग, जिसकी फीस मार्केट में 20 से 80 हजार तक होती है। अभी डाउनलोड करें।